आज की रेसिपी उन लोगों के लिए है जो कॉलेज में रहते हैं, घर से कोसों दूर रहते हैं और जिसके पास टाइम बहुत ही कम होता है और वो बाहर के खाना नहीं चाहते हैं और उनको फिर भी मजबूरी में खाना पड़ता है। तो उन लोगों के लिए आज हम ये रेसिपी लेके आए हैं। बहुत ही कम टाइम में ये बन के तैयार भी हो जाएगा और जितने ये कम टाइम में बन के तैयार होगा ना, उतने ही टेस्टी ये खाना खाने में भी लगेगा और ये पेट भी भर जाएगा, मन भी भर जाएगा, ऐसा ये खाना बन के तैयार होगा। तो आपको इसके लिए क्या करना है, जो दाल जो पसंद है वो दाल आपको ले लेना है, उसको अच्छे से पानी से वॉश कर लेना है और फिर उसके बाद इस दाल को कुकर में डाल देना है। तो हमने यहाँ पर छोटे वाले कटोरी से 2 कटोरी अरहर की दाल लिया था, जिनको अच्छे से पानी से साफ करके इस कुकर में डाल दिया और जिस हिसाब से हमने दाल डाला है तो उसी हिसाब से पानी डाला है। तो हमने 2 कटोरी छोटे वाले कटोरी से लिया था, हमने 1.5 गिलास इसमें पानी डाले हैं और ये आलू को अच्छे से पानी से साफ कर लिया है। इस आलू को भी इसमें डाल दिया है, तो हमने 2 आलू लिए हैं बड़े साइज में, देख सकते हैं आप। इसमें स्वाद अनुसार हम इसमें नमक डालेंगे, हल्दी भी है आधी चम्मच हम इसमें डाल देंगे। अब यहाँ पर चावल ले लिए हैं, जिनको अच्छे से पानी से साफ कर लिया है। तो इस कटोरी में हम चावल को ले लिए हैं और इसमें हम छोटे वाले गिलास से 1 गिलास हमने चावल दिया था तो उसी हिसाब से हम पानी भी डाला है, तो 1 गिलास यानी कि 1 इंच पानी भी डाले हैं और इस जो चावल है इस कुकर में ही डालेंगे। तो इस तरह से इसको इसमें कुकर में रख देना है, इसके ऊपर से कोई सा भी प्लेट हम रख देंगे एक कटोरी के ऊपर। तो ये सारे कुछ इसमें हमने डाल दिए हैं, अब एक साथ ही सारे कुछ पक के तैयार हो जाएगा। तो इसके कुकर के ढक्कन कर देना है बंद, अब इसको 2 सीटी आने देंगे। तब ये देख सकते हैं 2 सीटी आ गए हैं, अब इनको हम ढक्कन हटा के दिखाते हैं। तो ये देख सकते हैं अभी इसके जो चावल की प्लेट है वो भी हम हटा के दिखाते हैं। चावल एकदम परफेक्ट तरीके से पक के तैयार है, दाल भी पक के तैयार है, आलू भी पक के तैयार है। तो इन सारे को हमें इसमें से निकाल लेना है। अब ये आलू जो है इनको भी हम निकाल लेना है। ये बहुत ही कम समय में बन के तैयार हो जाता है, अब बहुत ही टेस्टी भी लगते हैं खाने में। तो जो लोग जिन लोगों के पास बहुत ही कम टाइम होता है ना, वो लोग आसानी से ये रेसिपी बना सकते हैं। और जब तक कि इसका सीटी निकल रहा था उतने में हमने तड़का भी तैयार कर लिया था, तो उसको भी इसमें डाल देना है। अब हम ढक्कन रख देंगे ताकि इसका जो खुशबू है निकले ना बाहर। अब ये ठंडा हो गया तो इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है इस तरह से। अब यहाँ पर हमने जो आलू लिया है उसके लिए भी तड़का लेंगे। तो यहाँ पर हमने सरसों का तेल ले लिया है एक कड़छी में, इसमें हम थोड़ा सा जीरा डालेंगे। जीरा की जगह आप मस्टर्ड सीड भी डाल सकते हैं, उससे बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। और इसमें हम लाल मिर्ची तोड़ के 2 डाल दिए हैं, अब इनको हम पका लेंगे। जब तक ये तड़का तैयार हो रहा है उतने में हम आलू के छिलका उतार लेंगे। तो इस तरह से हमने छिलका आलू को उतार लिए है, दोनों आलू को उतार लेंगे। तो हमने दोनों आलू के छिलका उतार लिया है, अब इस तरह से हाथों से इसको तोड़ लेंगे। अब जो हम तड़का तैयार कर रहे थे इसके लिए, तो उसको देख लेते हैं। तो ये भी तैयार है, इसको इसमें डाल देना है। अब इसमें हम थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक ले लेंगे और इसमें हम थोड़ा सा कच्चा प्याज लेंगे। और ये मिर्ची को जो पकाया था इसको इस तीनों के साथ एक साथ इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है, इस तरह से आप चोखा बनाएगा बहुत ही इसका अच्छा स्वाद आता है। जब भी हम लोग घर से बाहर रहते थे तो हम लोग ज़्यादातर यही वाला खाना बनाते थे, बहुत ही कम टाइम में बन भी जाते थे और बहुत ही टेस्टी भी लगते थे खाने में। और इसके ऊपर से हम और कच्चा प्याज मिलाएंगे। अब इन सारे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारे आलू की चोखा बनके तैयार है। अब चलिए हम प्लेट लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिया है दाल चावल आलू की चोखा और इसमें हम ले लेंगे, ये हमने घर में ही अचार बनाया था अपने हाथों से, तो ये अचार ले लिया है। तो ये हमारे कम टाइम वाला खाना बनके तैयार है, दाल चावल आलू की चोखा, घंटों के काम मिनटों में तैयार है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा।